यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आपका देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। देश की आवाज में आज हरियाणा पुलिस का चेहरा आपके सामने लेकर आए हैं और आज हम आपको देश की आवाज में हरियाणा पुलिस के जवानों की दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर हरियाणा के सोनीपत की है, जहां पर हरियाणा पुलिस की ओर से एक होमगार्ड की ड्यूटी नाके पर लगाई गई है, जहां पर होमगार्ड अपनी ड्यूटी के दौरान ईमानदारी से रिश्वत लेते दिखाई दे रहा है। आप तस्वीर में खुद देख सकते हैं, पहली तस्वीर ये आपके सामने है। वहीं हरियाणा पुलिस के रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। दूसरी तस्वीर हरियाणा के नशेड़ी पुलिस की है, जहां कैथल में एक SHO नशे की हालत में हंगामा करते दिखाई दिया है। और इन दोनों तस्वीरों के बाद आप और हम लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि कैसे हरियाणा की जनता अपने आप को सुरक्षित समझे। दोनों तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रिश्वतखोर पुलिस यहां पर सरेआम रिश्वत लेते नजर आ रहा है। आप खुद तस्वीर में देखिए और दूसरी तरफ जो तस्वीर दिखाई दे रही है और ये वीडियो भी लगातार वायरल हो रही है। नशे में SHO है और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से वो नशे में धुत है और नशे में धुत होने के बाद वो किस तरीके से अपनी वर्दी का रोब दिखाता नजर आ रहा है। पूरी घटना आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से ये नशे की हालत में SHO अपनी वर्दी का धौंस जमा रहा है, आखिर यहां पर घटना क्या हुई। ये साइकिल आपने देखी, इस साइकिल को टक्कर मारी गई SHO की तरफ से और टक्कर मारने के बाद माफी मांगने की बजाय ये एंड दिखाते नजर आए हैं, अपनी वर्दी की धौंस दिखाते नजर आए हैं और सीधे तौर पर माफी मांगने की बजाय उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के बजाय अपनी वर्दी का रौब दिखाते नजर आ रहे हैं। और पहली तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर कितनी ईमानदारी से रिश्वत ली जा रही है। तो देश की आवाज भी आपके सामने हाजिर है तमाम सवालों के साथ कि आखिर कितनी सुरक्षित है हरियाणा की जनता, जो अपने आप को इनके हवाले सौंप कर खुद को सुरक्षित मानती है। जब संरक्षक ऐसा होगा तो आखिर सुरक्षा कैसी होगी। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं और ऐसे माहौल में पुलिस पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि इन्हें हम काफी भरोसेमंद समझते हैं, भरोसा इन पर करते हैं। और आखिर ये प्रश्न भी सबके सवाल जहन में होगा, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कब पुलिस सुधरेगी। तो आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहा है। पहले कॉलर सोनीपत से रणधीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी मैं इसी डिपार्टमेंट से संबंध रखता हूँ जी, और मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, इस डिपार्टमेंट पे सिर्फ 20% आदमियों का कब्जा है जी, जो ऑफिसों में बैठे हैं। हाँ। चार चार पांच साल से ऑफिसों में बैठे और ये पोस्टिंग करते हैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों की, और ये पैसे लेते हैं और फिर उनको देते हैं। तो आप खुद मानते हैं, आपने आपका कहना है कि आप इसी डिपार्टमेंट से हैं, रिश्वत ली जाती है, भ्रष्टाचार जो है किया जा रहा है। हाँ, मेरी आपसे एक प्रार्थना है जी, पुलिस डिपार्टमेंट में 1 साल से ऊपर किसी की पोस्टिंग एक जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ। ये भ्रष्ट कर्मचारी चार चार पांच पांच साल से बैठे हैं जी, खासकर ऑफिसों में। आप RTI लगा के पता कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो सीधे तौर पर अभी आपने सुना, दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका कहना था वो इसी डिपार्टमेंट से हैं और यहाँ पर भ्रष्टाचार देखने को मिलता है और साथ ही साथ इस तरीके से रिश्वत भी ली जाती है। अगले कॉलर गुरुग्राम से मुकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए मुकेश। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैडम मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी कितने ही ईमानदार कोशिश करें सब कुछ ठीक करने की, लेकिन रोड से भ्रष्टाचार शुरू होता है। रोड से भ्रष्टाचार शुरू करने वाले हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है। हाँ। और वो पैसे सरेआम लेते हैं और कई जगह लेते हैं, और अगर आप जैसे जागरूक मीडिया हाउसेज अगर उसको उजागर करना चाहे तो स्टिंग करके उजागर कर सकते हैं। एक दिन के अंदर आप कभी गुरुग्राम में आइए और देखिए यहाँ पे हर चौराहे पे पैसे कैसे लिए जा रहे हैं।
जी, तो सरेआम रिश्वत जो है ली जा रही है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हमारा जो है, हम ये जरिया बनकर ही आपके सामने हैं कि आप हमारे जरिए अपनी बात को रखें, अपनी आवाज को बुलंद करें और अपनी राय हम तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी सुरक्षा पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिनके हाथ में हमारी सुरक्षा है वो किस तरीके से रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं, अपनी वर्दी की धौंस जमाते नजर आ रहे हैं। जब संरक्षक ही ऐसा होगा तो आखिर सुरक्षा कैसी होगी? तमाम सवाल आपके सामने हैं। आप जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, क्योंकि आज का मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो अपनी सुरक्षा को आप कितनी गंभीरता से देखते हैं, फोन कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि कानून क्यों तोड़ता है? खुद कानून, जिसे कानून का रखवाला कहा जाता है, वही कानून तोड़ता नजर आ रहा है। अगले कॉलर गुरुग्राम से पवन कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए पवन। मैडम, जो ये चंडीगढ़ से कॉल आई है ना सर जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो पुराने अफसर बैठे हैं अफसरों में, उनकी तबादला नहीं हो रहा है, उन्हीं के कारण ही ये सब हो रहा है जी। और दूसरा है कि जो है ना, ये जो जिन एम्प्लॉय को क्वार्टर यहाँ गुड़गांव में अलाउड होना चाहिए उनको नहीं हो रहा है। जो आरबीआई के अफसर है, आरबीआई के जो लोकल पुलिस है, उनको क्वार्टर अलाउड हो रखा है जी। बताइए मोदी सरकार का कहाँ रोल आ जाता है? मोदी सरकार, मोदी कहाँ कहाँ तक पहुंचेगा? जब पुलिस के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने, अपने जूनियर के ऊपर छोड़ दिया, जूनियर खिलाफ हो रहे हैं, तो भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, रिश्वत ली जा रही है सरेआम। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जगबीर जुड़ चुके हैं, कहिए जी। आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी जी, कहिए। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। भारत में जो है कानून जो है ना, मजाक बन गया है, क्योंकि जब कानून को बनाने वाले और कानून की रक्षा करने वाले जी खुद ही इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे तो बहुत ही, जो आम जनता के लिए है उसके लिए तो बहुत कठिन परिस्थितियां होती जा रही है। लेकिन ये जरूरी है कि एक नागरिक को जागरूक होना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति। जब तक वो जागरूक नहीं होगा, जब वो कोई गलत काम नहीं करेगा, तो पुलिस वाला अगर उसके साथ में इस प्रकार की कार्रवाई करता है तो वो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर जो है ना कानून का सहारा ले, उनकी शिकायत करे, और जो ऊपर वाले अधिकारी हैं अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर आपके दरबार में भी, मीडिया के दरबार में भी आए कि मेरे साथ इस प्रकार की कहानी हुई, मेरे साथ में ये जाती हुई और पुलिस ने मेरे से। बिल्कुल, हर नागरिक को जागरूक होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मौलिक अधिकार दिए हुए हैं और आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। अगले कॉलर छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, नाम बताइए और अपनी राय दीजिए। तो जुड़ने की आप दोबारा से कोशिश कर सकते हैं। जिन जो लोग लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपनी आवाज को बुलंद कर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हम यहां पर जान रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर भी फ्लैश हो रहा है। आज के सवाल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कानून बनाने वाले ही कानून क्यों तोड़ते नजर आ रहे हैं, और ऐसे माहौल में पुलिस पर कैसे भरोसा किया जाए जहां एक ओर धड़ल्ले से रिश्वत ली जा रही है और दूसरी ओर एसएचओ अपनी वर्दी की धौंस दिखाते नजर आ रहे हैं, नशे की हालत में धुत है। तो जनता अपनी सुरक्षा की गुहार आखिर किससे लगाएगी? अगर पुलिस वालों का यही रवैया रहेगा, यही उनका बिहेवियर होगा, तो हर कोई इस बात से डरेगा। अगले कॉलर कैथल से सूबे सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए। हेलो जी, उदय सिंह बोल रहे हैं कैथल से। जी सुबे सिंह जी, कहिए। उदय सिंह जी, उदय जी कहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, जो आपने बताया अभी कानून का बारे में है जी, जैसे आपने 21 तारीख को योगा का दिवस बनाया है, ऐसे ही आम पब्लिक को तो यही नहीं पता भाई कानून का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। पब्लिक के जैसे स्कूल में क्लास लगाई जाती है, इसको भी एक आधा घंटा की क्लास लगाई जानी चाहिए भाई, अगर अफसर जवाब दे, जब तक सरकार जवाब दे। चलिए, जवाब दे ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले कॉलर मध्य प्रदेश से दिनेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए दिनेश। थैंक यू मैडम जी, कहिए। कानून तोड़ना, कानून हाथ में लेना, कानून को
कानून तोड़ना, कानून हाथ में लेना, कानून को अपने ढंग से इस्तेमाल करना, भारतीय पुलिस, भारतीय अधिकारियों, सत्तासीन नेताओं और सरकारों का शौक और सगल बन चुका है। कानून सिर्फ कमजोरों पर उनके साथ शोषण करने के लिए, उन पर राज करने के लिए है। रात को न्यायालयों को खुलवाकर ये क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? देश में 20% कुलीन वर्ग देश को खूनी क्रांति की ओर धकेल रहा है। भ्रष्टाचार के लिए ये सिस्टम है। देश हित में नया कानून, नया संविधान, समाज को इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। अंग्रेजों का समय का कानून है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। के लिए अगले कॉलर गुरुग्राम से जगबीर सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए जगबीर जी। मैडम ये पुलिस की कमी नहीं है, हमारे चिल्ड्रंस की कमी है जी। ये हम ऑफर करते हैं तभी तो वो लेते हैं। अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे तो वो साले ले नहीं पाए किसी तरीके से। हमें अपने आप को सुधारना होगा। हम अगर ऑफर देना बंद कर दे, उनको पैसा देना बंद कर दे, वो कानूनी कार्रवाई करें। बिल्कुल सही बात, खाद से नहीं बचती, हमें भी रिश्वत देना बंद करना होगा, ऐसा आपका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। दर्शक लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, क्योंकि ये कानून की बात यहाँ पर की जा रही है जिस पर सुरक्षा का जिम्मा है, जनता की सुरक्षा का जिम्मा है, और वही कानून बनाने वाले कानून तोड़ते नजर आ रहे हैं। दोनों तस्वीरें, दोनों वीडियो जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से SHO अपनी वर्दी का रौब दिखाते नजर आ रहे हैं, नशे की हालत में है वो। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको बार बार दिखा रहे हैं जहां पर रिश्वत लेते सरेआम यहां पर पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। किसी का डर, किसी का भय उन्हें नहीं है, सरासर आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पैसों का लेन देन हो रहा है, रिश्वत ली जा रही है। तो संरक्षक अगर ऐसे होंगे तो सुरक्षा कैसी होगी, क्योंकि इन्हीं पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ऐसे माहौल में पुलिस पर भरोसा कैसे किया जाए, कैसे पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई जाए। अगले कॉलर मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए नेगी जी। मेहा जी नमस्कार, नागेंद्र सिंह नेगी सरका घाट मंडी से बोल रहा हूँ जी। मैडम लाइन हाजिर करना तो एक रूटीन कार्रवाई है, थोड़े दिन के बाद उसी धरने पे काम किया जाता है। पुलिस एक्ट 1861 जो है वो पुलिस को तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की इजाजत देती है, लेकिन पुलिस खुद जो है वो उस जवाबदेही, उसकी कोई खुद की कोई जवाबदेही नहीं है। ये पुलिस एक्ट 1861 है जो अंग्रेजों के समय का बना था, इसको बदलना पड़ेगा और इसको जनता की पुलिस बनाना पड़ेगा। मलाईदाने थाने और पुलिस स्टेशन दिखते हैं, ऊपर से राजनीतिज्ञ शरण देते हैं इनको। राजनेताओं के लिए अलाउद्दीन के चिराग की तरह पुलिस काम करती है मैडम। और मैडम कल दरोगा ने कहा अपने दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। कल्लन बोला शुक्र है रिश्वत का, वरना वे खुदा ये मार देते जान से। भगवान पे भरोसा नहीं रहा है आम आदमी को, रिश्वत पे ज्यादा भरोसा है। और ये ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, हिमाचल से लेके हिंद महासागर तक जितने भी प्रदेश पड़ते हैं हर जगह यही हो रहा है। धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। आज के सवाल आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर जो हम लेकर आए हैं कि आखिर ऐसे माहौल में पुलिस पर भरोसा कैसे किया जाए। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, आपके जहन में भी यही सवाल होगा। अगले कॉलर देहरादून से हरदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए हरदीप। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, ये तो आप दिखा रहे हैं बड़ी खुशी की बात है जी। हम रोज ही देखते रहे, वैसे मैं ट्रांसपोर्टर हूँ और इनको डेली भुगतता हूँ। ये तो पुलिस तो ये हरियाणा के नहीं पूरे देश की यही हाल है, पर जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो तो इनका क्या हाल होगा। तो आप रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में देखते हैं इस तरीके तो से जो रिश्वत ली जा रही है, आपके सामने भी इस तरीके के कारनामे पुलिस के सामने आए हैं। अच्छे दिन आएंगे जी, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि उससे तो बढ़िया ये है कि जो पहले खराब थे दिन वो ही अच्छे है इस अच्छे दिन से। तो मैं कई दफे तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रिश्वत लेते हुए दिल्ली पुलिस को भेज चुका, हरियाणा को भेज चुका जी, यूपी को भेज चुका और उत्तराखंड पुलिस को भेज चुका। कोई असर नहीं होता, कई
मतलब रिश्वत लेते हुए रिकॉर्डिंग कम से कम 40 रुपए भेज चुका हूँ, कोई असर नहीं होता ये सब। तो कई बार आपने तो खुद देखा है रिश्वत लेते हुए, लेकिन इस बात का कोई असर इन पर नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले कॉलर हिसार से वीरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए। गुड इवनिंग मैम। जी कहिए। मैम ये कहना चाहता हूँ, मैं पीछे मेरे दोस्त ने बताया जो बताया था कि मैं पुलिस वाला हूँ, उसकी जो बातें हैं मैम ये बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी एक पुलिस कर्मचारी हूँ। हैज पहले मैं फौज में था, अभी पुलिस में हूँ। कई बार हम ऐसी ऐसी ड्यूटियां करते हैं कि हमारे साथ वाले जो कर्मचारी होते हैं वो खुद रिश्वत लेते हैं, हमारी आत्मा रोती है। अगर जब हम रिश्वत नहीं लेते क्योंकि वो बोलते हैं तो फौजी है तो पागल है, इसको साइड में खड़ा कर दो, ये वर्ड तक हमको बोलते हैं। तो आप खुद पुलिस कर्मचारी हैं, आपका कहना है, तो क्या लगता है कि ऐसे पुलिस कर्मियों की वजह से जो पुलिस कर्मी रिश्वत नहीं लेते हैं उनका नाम भी खराब हो रहा है कहीं ना कहीं? ऑफिस के अंदर जितने बैठे उन्होंने, मेरे मित्र ने बताया था, कई कई साल से बैठे हैं। जैसे किसी कर्मचारी ने अगर अपना टीए लेना है या शिक्षा भत्ता लेना, उसमें भी पैसे लेते हैं, और हिसार के अंदर तो बहुत बुरा हाल है जी। आधे कर्मचारी नहीं है जी। रिश्वत के चक्कर में उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी को गुमराह कर रखा है। एक पोस्ट के ऊपर ओएसआई होना चाहिए, ओएसआई हटा दिया, एसआईएस पूरे जिले को कवर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले कॉलर मध्य प्रदेश से दिनेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए दिनेश। मैं यही कहना चाह रहा था जी कि अदालतों में सीसीटीवी कैमरेज और रिकॉर्डिंग के साथ सुनवाई हो। हिंदुस्तान में तंत्र एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जनहित नहीं कर रहे। जो जनहित की लड़ाई में आगे आते हैं हम जैसे, उन पर एनएसए और राष्ट्रद्रोह की कार्रवाइयां की जाती हैं जी। और यह कानून को सबसे ज्यादा कानून के कर्मचारी अधिकारी 90% कानून को वो मानते रही हैं। अगर उनको कानून सिखाने या बताने की कोशिश की जाती है तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि हमें कानून सिखाया जा रहा है। और ये जन क्रांति के लिए खबरें अभी तक जो कर रहा है, निश्चित है जनता इससे जागरूक होगी। इसके लिए देश को और देश की सरकारों नेताओं को त्याग और बलिदान के लिए तैयार होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जनता जागरूक हो यही हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ अगले कॉलर विक्की फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए विक्की। हेलो जी। हाँ मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक चैनल का मैं बहुत आभारी हूँ, और यूपी से बोल रहा हूँ, पीलीभीत से मैम। और मेरा ये कहना है कि पहले इस चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ, आपने जो मुहिम छेड़ी है बहुत बढ़िया छेड़ी है कि हमें अपने मन की बात, क्योंकि मोदी जी तो कानों से सुनते नहीं हमारी बात। जी अगले कॉलर सिरसा से किशोर कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए किशोर। मैम क्या मैटर है आज का? जी मैडम, मुद्दा क्या आज का? हेलो। तो मुद्दा हमारा आज का है, कानून की तस्वीर हम लेकर आए हैं सामने। दो वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें पहली तस्वीर जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वहां पर रिश्वत लेते पुलिस कर्मचारी नजर आ रहा है, और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर एक एसएचओ अपनी वर्दी की धौंस जमाता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले कॉलर मेरठ से चंद्रपाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अपनी भी एक समस्या से सुनाना चाह रहा हूँ आपको। 8 मई 2017 में हमारा एक लड़का मेरठ से गाजियाबाद गया था और वो वहाँ जाकर खो गया जी। 10 मई 2017 में वह सियानी गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, मतलब ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया। पुलिस वाले कहते हैं कि ये हमारा काम थोड़ी है, अपने आप ढूंढो। तो हम तब से ये अपने आप ही ढूंढ रहे हैं। और मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगर गाजियाबाद के आसपास ये लड़का, इसका नाम है रोहित नाम है, इसे भोला भी कहते हैं, और इसकी उम्र 20 वर्ष है और ये थोड़ा सा मंदबुद्धि है, इसलिए हमें ज्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये अगर कहीं मिले किसी को तो मेरठ खबर करने की कोशिश करें जी, या आपके चैनल पर खबर कर दे जी। मैं 10,000 रुपया इनाम दूंगा उस सज्जन को, उसका किराया भाड़ा भी दूंगा जो हमारे बच्चे को प्राप्त करेगा। चलिए, हम खबरें अभी तक की तरफ से सभी दर्शकों से जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे अपील करते हैं कि ये जिस बच्चे के बारे में जो दर्शक जुड़े उन्होंने बताया कि अगर कहीं भी इस तरीके का बच्चा उन्हें देखने को मिलता है जिसके लिए 10,000 रुपए की राशि देने की भी बात की जा रही है, अगर आपको पता चले तो आप जरूर इस बात की इत्तला करें। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं और
अपनी बात को रख रहे हैं। अगले कॉलर सुभाष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए सुभाष। चले, जिन दर्शकों का संपर्क नहीं हो पा रहा है वो दोबारा जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। सवाल लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक बार फिर से आपको मुद्दा मैं बता देती हूं, पुलिस वालों की तस्वीर लेकर आपके सामने आए हैं, दो वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं, यहां पर धड़ल्ले से रिश्वत ली जा रही है पुलिसकर्मी की तरफ से। और दूसरा मुद्दा जो है, एक SHO अपनी वर्दी का रौब दिखाते नजर आ रहा है और नशे की हालत में है। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि जो कानून बनाता है वो खुद कानून क्यों तोड़ रहा है। तो अगले कॉलर जींद से सुभाष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए सुभाष। हेलो जी, ये मेरी ये सुना है जी, इसके बारे में इनको सजा मिलनी चाहिए, ये नियर लाइन हाजिर कर दिया और ये कर दिया। हाँ हेलो जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो कब सुधरेगी हरियाणा की पुलिस? ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर किसी के जहन में यही सवाल उठता होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये रिश्वत ली जा रही है या अपनी ही वर्दी का रौब दिखाया जा रहा है, आखिर कब सुधरेगी हरियाणा पुलिस? अगले कॉलर कैथल से शमशेर सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए। शमशेर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आपसे अपील है कि अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। नमस्कार मैम जी। नमस्कार, शमशेर जी अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। सभी दर्शकों से अपील है, जब भी वो कॉल करते हैं या जुड़ते हैं, क्योंकि बहुत कम समय आपके पास होता है और हमारे पास होता है आपकी बात सुनने के लिए, तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखा करें ताकि आपकी आवाज या फिर आप जो अपनी राय देना चाहते हैं वो हम तक पहुंच पाए। अगले कॉलर बरेली से रामपाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए। नमस्कार जी। नमस्कार, तो मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, तो 50 साल से चलता आ रहा है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। कितनी सरकारें आए कितनी गई, हाँ। ये हर आदमी जानता है, प्रधानमंत्री जानता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, कोई इसमें सुधार नहीं कर सकता, किसी को कोई सजा नहीं होती इस विषय में, एक काम तो चलता रहेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता जी। तो कोई कुछ नहीं कर सकता, सरकारें आई सरकारें गई। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले कॉलर कैथल से जगबीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए। तो दर्शक जिनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से कहेंगे कि आप जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगली कॉलर नगीना फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं, कहिए। नरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए नरेंद्र। जी मैम, जैसे ये सोशल मीडिया और ये अपने चैनल खबरें अभी तक इसको बढ़ा दे रहे हैं, इसी तरीके से जो इनका रिजल्ट होता है, जो इनको सजा दी जाती है, वो भी पब्लिक के सामने आए तो बहुत अच्छा रहेगा रिजल्ट इस चीज का। जैसे ये चीज सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू आ रही है, अगर ये दोबारा आम नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगली कॉलर मंजू फोन लाइन पर जुड़ चुकी है, कहिए मंजू। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, हाँ जी मैडम जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आप दिखा रहे हो ना, ये बिल्कुल सच्चाई दिखा रहे हैं जी। मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना, आपको मैं क्या बताऊँ, मेरे 3.5 लाख रुपया एक इंसान खा गया एजेंट के थ्रू। मुझे आप लोगों का ना तो कोई नंबर मिल रहा था ना कुछ, क्योंकि जो चैनल वाले हैं ना, वो भी उन्होंने भी मेरी कोई नहीं सुनी, पता नहीं किस लिए जी। हाँ जी, तो ये पुलिस वालों ने मुझे ही बोला कि तुम ढूंढो जी। तो आम नागरिक को भी परेशान किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़े हैं, अपनी बात उन्होंने रखी है, कईयों ने आप बीती बताई है, कई खुद पुलिसकर्मी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, और उन पुलिसकर्मियों का ये कहना था कि इस तरीके के जो पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिस में हैं, उनकी वजह से और पुलिस वालों का नाम भी खराब हो रहा है, क्योंकि आए दिन भ्रष्टाचार इनकी तरफ से फैलाया जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, अपनी ही वर्दी की धौंस जमाई जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का जो जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।